मैंने इस बार गांव भी तहसील सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। पूरे गांव वासियों को मेरी नमस्कार और मैं पूरे गांव से छत्तीस बिरादरी से ही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 12 तारीख को साइकिल के सामने का बटन दबाकर भारी सी भारी मतों से जीत दिलाएं। और जैसा कि पूरे गांव का समर्थन हमें मिल रहा है, जिस विश्वास के साथ वो हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारा प्रयास रहेगा आने वाले पूरे 5 साल में, जैसे गांव में शिक्षा की तरफ और पानी का और नाली और गलियों वगैरह का प्रॉपर पूरे तरीके से हर वर्ग को इसका लाभ दिया जाएगा। धन्यवाद। नहीं निःशुल्क सिलाई सुविधा है जो अभी तक तो शायद नहीं है गांव में, है नहीं नहीं है जी, तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि ये कन्याओं के लिए और लेडीज के लिए, माताओं बहनों के लिए भी इसका जो सेंटर है उसके लिए सुविधा के लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाए। गांव में माताओं बहनों के लिए सिलाई सेंटर की विशेष सुविधा का भी इंतजाम किया जाएगा और जो गांव में सीसीटीवी कैमरा वगैरह की जो कमी है उसको भी हर मोहल्ले में हर गली में प्रोवाइड कराया जाएगा। स्वच्छता के लिए भी जैसे हम गाँव में बहुत सी नालियों और गलियों में बहुत ही दिक्कत आ रही है, पानी खड़ा रहता है, उसके लिए भी विशेष प्रबंध किया जाएगा, कोई नाला बनाया जाए और सफाई के लिए विशेष ध्यान रखा जाए। नरेश जी, जैसा हम देख पा रहे हैं गांव में गंदगी के अंबार हैं, मच्छर मक्खी से परेशान है नागरिक गांव, तो इसके लिए आप स्वच्छता अभियान को दुरुस्त करने का कोई एजेंडा है? जी, इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा जी। जैसे गांव में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो जैसे हमारे गांव में 4 स्वीपर हैं तो उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है और उसको जो कूड़ा करकट है उसको थोड़ा उचित उचित निपटान किया जाएगा। निपटाने के लिए भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी, तो बहुत बहुत आभार भाई नरेश कुमार जी, सरपंच पद प्रत्याशी गांव बीटा, चुनाव निशान साइकिल, जो कि बैलेट पेपर में प्रथम स्थान पर है। तो आपको हमारी आशा टीवी चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि ईश्वर आपके घर में खुशियां लेके आए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।